जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिला चैंपियन अपने भरपूर और रूप से है और लोग जॉब पर जॉब यहाँ पे लिखते हुए बढ़ते रहे। साल के बाद एक साल के बाद जो मेला आता है और यहाँ रॉकेट के रूप से होती है, तो जैसा कि आपने आज देखा कि यहाँ पे बहुत रश है और वहाँ पर दरबार से उत्कंठित कर रहे और बहुत हो रहे हैं। तो आइए बलोच साहब से पूछते हैं कि आपसे बलोच साहब ने आज इस मेले को कैसा पाया। आपसे बलोच साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत रौनक मेला है और मैं कहता हूँ रमजान की वजह से कुछ तफरियात कम है लेकिन फिर भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस मेले में। मौजूद है कलंदरी स्वीट्स पे जो यहाँ मिठाइयों की बड़ी कदीमी दुकान है और मेला चैंपियन में इनको आते हुए साल हर साल हो चुके हैं, तो ये भाई साहब से हम थोड़ा पूछते हैं कितना अर्सा हो गया इनके इस फील्ड में और ये आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बात चाहने फिर हर साल अभी आने हर साल ही मेरे अल्लाह ताला की करुणावादी है तो बड़ा कुछ रब देता जी इतों तो हट्टिया अं दो लाते होंगे आमने सामने आमने सामने हट्टिया दो लाने जी अल्लाह ताला की बड़ा करुणावादी है जी बड़ा कुछ रब देता जी सामने इतों ते जन पीर सदके माशाल्लाह जी बिकात अल्लाह की माशाल्लाह। बीस पच्चीस साल हो गए हाँ जी बीस पच्चीस साल हो गए हाँ जी हर साल आते हैं जी इतने ऐटकी दो हट्टिया लाइया ने आमने सामने वह भी हट्टी साड़ी है हाँ जी अपनी है उजरा शाम की तो सी आने हाँ जी मेहरबानी नाज़रीन। अब वक्त था हज़रत सखी अमीर हैदर अली इमाम उर्फ हज़रत सखी चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी का, तो हमने भी दूसरे तमाम ज़ायरीन की तरह मज़ार अक़दस पे हाज़िरी दी जिनका उर्स मनाने के लिए हर साल मार्च के महीने में मौसम बहार और मौसम गर्मा के दरमियान ये उर्स मनाया जाता है और पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में ज़ायरीन इस मज़ार अक़दस का रुख करते हैं। इसके बाद हमने रुख किया तमाम इलाकों से आने वाली जमातें देखने का, तो ये भी अपना अपनी जगह एक मुनफरद मंजर था और ये कैसे हो सकता है कि हम आपको ये मंजर ना दिखाएं, तो आइए दिखाते हैं आपको भी। इसके साथ ही नाज़रीन हमारी मेला चैंपियन की पहली किस्त का इख्तिताम होता है, तो अगली किस्त में मजीद जोश जज्बे के साथ आपको बाकी मेला दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।